AIA Pre-Gate 2021 होम्योपैथी ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट। इस वीडियो में होम्योपैथिक सब्जेक्ट से सॉल्वित ओवरऑल सब्जेक्ट से देखा जाए तो सब्जेक्ट वेटेज वाइज एलाइड सब्जेक्ट में 66 क्वेश्चन था एंड होम्योपैथी सब्जेक्ट में 54 क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन 120। और होम्योपैथिक सब्जेक्ट्स में वेटेज देखा जाए तो फाइवेशन में 6 क्वेश्चन, बाकी रिपर्टरी ऑर्गन मटेरियल मेडिकल तीनों में इक्वल वेटेज था 16 क्वेश्चन। तो फार्मेसी 6, रिपर्टरी 16, ऑर्गन 16 एंड मटेरियल मेडिकल 16। फार्मेसी 10,000 पोटेंसी इन सेंटेसिमल स्केल इज डेजिग्नेटेड एज ए 1 mm, बी 50 mm, सी cm एंड डी mm, एंड द आंसर इज cm। सो ये फार्मेसी का टेक्स्ट बुक का रेफरेंस है। सेंटीसिमिलर स्केल सी विच मीन्स 100, सी मीन्स 100 एंड 2c अगर होगा तो वो 200। उसी तरह से नीचे लिखा है 1000 एज m, एंड जब 100,000 का बात करें तो 100 के लिए c एंड 1000 के लिए m, सो 100,000 के लिए cm। इस तरह से यहाँ पे 1 पे 50 है तो जो 20 हुआ यानी 100 उसके लिए c, और जो 30 है उसके लिए m, सो cm पोटेंसी। सेकेंड वन इज क्लासेज ऑफ ओल्ड मदर टिंचर प्रिपरेशन एंड सोर्सेज का एग्जाम्पल, दोनों को मैच करना है। सो लिस्ट वन में है क्लास 4, 9, 5b, क्लास 7, एंड लिस्ट टू में है लाइकोपोडियम क्लेवेटम, हेक्ला लावा, लाइसिन, फ्लोरिक एसिड। दीज आर द ऑप्शन एंड द राइट आंसर है क्लास 4 का लाइकोपोडियम क्लेवेटम है, क्लास 9 लाइसिन, बट एक्चुअली क्लास 9 में बल्कि बुक में क्लास 8 में दिया हुआ है, क्लास 5b फ्लोरिक एसिड एंड क्लास 7 हेक्ला लावा। सो क्लास 4 लाइकोपोडियम है तो क्लास 4 यहाँ पे लाइकोपोडियम क्लेवेटम बुक स्कोर से बनता है। फिर क्लास 8 लाइसिन क्लास 8 में है ना कि 9 में। क्लास 5b में फ्लोरिक एसिड है एंड फिर क्लास 7 में हेक्ला लावा। तो ये ओल्ड मेथड है मदर टिंचर का प्रिपरेशन का अकॉर्डिंग टू हैनमैन। थर्ड क्वेश्चन नंबर ऑफ मोनोग्राफ इन होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया वॉल्यूम 4 आर ए 100, बी 105, सी 107 एंड डी 114, एंड आंसर इज 107। जो HPI होम्योपैथिक फार्माकोपिया जो कि 1971 में आया था, वॉल्यूम 4 ऑफ HPI उसमें 107 मोनोग्राम था और ये 1984 ईयर में आया था, अदर आंसर इज 107। क्वेश्चन नंबर 4 स्टैंडर्ड ड्रॉप मीन्स एक्सटर्नल डायमीटर 3 mm डिलीवर्स 20 ड्रॉप्स ऑफ वाटर, बी एक्सटर्नल डायमीटर 2 mm डिलीवर्स 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर, सी वेट बिटवीन 1 to 5 gram एट 20 degree Celsius, डी वेट बिटवीन 0.9 gram टू 1.1 gram एट 15 degree Celsius, एंड ई रिपीटिंग आउट करेक्ट ड्रॉप। तो ऑप्शन ए या बी दोनों में से कोई एक होगा तो ये ऑप्शन से ही पता चल रहा है, आइदर ये और वो ऑप्शन है, एंड द आंसर इज ए एंड डी ट्रू है, बाकी जो ऑप्शन है वो फॉल्स है। ए यानी एक्सटर्नल डायमीटर 3 mm डिलीवर्स 20 ड्रॉप्स ऑफ वाटर एंड डी वे बिटवीन 0.9 gram टू 1.1 gram एट 15 degree Celsius। सो स्टैंडर्ड ड्रॉप मेजर एज पर रिकमेंडेशन ऑफ ब्रुसेल्स कॉन्फ्रेंस 1902, पहला एक्सटर्नल डायमीटर एट डिलीवरी एंड इज 3 mm, तो ये स्टेटमेंट सही है 3 mm। और जो दूसरा स्टेटमेंट था ऑप्शन बी में एक्सटर्नल डायमीटर 2 mm डिलीवर्स 10 mm 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर, वो स्टेटमेंट गलत है। सेकेंड पॉइंट है डिलीवर्स 20 ड्रॉप ऑफ वाटर, तो 10 नहीं होगा 20 होगा और 2 mm नहीं होगा 3 mm होगा। वेन हेल्ड वर्टिकली टोटल वेट ऑफ विच इज बिटवीन 0.9 gram टू 1.1 gram एट 15 degree Celsius, तो जो एक ये ऑप्शन सही है। और जो एक और ऑप्शन था जिसमें वेट था 1 to 5 gram और टेम्परेचर था 20 डिग्री सेल्सियस, वो स्टेटमेंट गलत है।
वन ड्रॉप इज नॉट एग्जैक्टली वन मिनिम एंड 16 ड्रॉप्स आर नॉट एग्जैक्टली वन फ्लूइड ड्राम. ऑर्डिनरी 100 ड्रॉप और 16 मिनिम ऑफ वाटर इज इक्विवेलेंट टू वन फ्लूइड ड्राम. ड्रॉप इज ऑफन टेकन एज बीइंग अबाउट अ मिनिम बट ड्रॉप्स वेरी सो मच इन साइज दैट दे शुड नेवर बी यूज फॉर चिल्ड्रन नॉट एज अ मेजर ऑफ पावरफुल ड्रग. इसलिए मेजरमेंट के थ्रू इसको नहीं निकाल सकते. सो पिपेटिंग आउट करेक्ट ड्रॉप ये स्टेटमेंट भी गलत है. क्वेश्चन नंबर 5. द पार्ट यूज इन प्रिपरेशन ऑफ मदर टिंचर ऑफ एजेरिजेट्रा इंडिका इज ए बार्क बी फ्लावर सी लीव्स एंड डी होल प्लांट. एजेरिजेट्रा यानी कि नीम का प्लांट एंड द आंसर इज बार्क. बार्क ऑफ ट्री के थ्रू मेडिसिन बनाया जाता है. क्वेश्चन नंबर 6. What is the lifespan of nosodes below 3x of group N1, N2 and N3 from the date of manufacture? Option A, 12 months. Option B, 3 months. Option C, 6 months. And option D, 60 months. And the answer is 6 months. All potencies below 3x of group N1, N2 and N3 should bear the date of manufacture and a life period of 6 months from the date of manufacture. So the answer is 6 months. Now repertory. Question number 7. The rubric for cracking of joints is given in which section of Bonnie Hassan's therapeutic pocketbook, yani BTPB? A. Aggravations. B. Bones. C. Extremities. And D. Sensations. And the answer is sensations. So ye reference hai BTPB ka cracking of joints. Ye sensation chapter mein diya hua hai. Next question, question number 8. The year of publication of synthetic repertory is A. 1973, B. 1987, C. 1993 and D. 1996. And the correct answer is 1973. So in 1973, Barthel and Will Plunker creators of synthetic repertory. So in 1973 mein aaya tha. Question number 9. The medicine given in Kent's repertory for hair fall during pregnancy is A. Lachesis, B. Lycopodium, C. Natremur, and D. Sulfur. And the correct answer is Lachesis. So, head, hair falling, pregnancy during Lachesis. Ye Kent's repertory ka reference hai. Question number 10. The symbol mathematical pi in nerve repertory indicates A. Observations taken from old school, B. Physiological general state, C. Symptoms observed in sick only, D. Toxicological extract. And the answer is symptoms observed in sick only. So symptoms observed on sick only ke liye pi se represent karte hain. Do perpendicular dot hota hai. Perpendicular dotted line marks observation taken for old school such as harmonized without law of cure. Theta represent karte hain standing between the cured symptom and the pathological condition or the physiological general state throughout the guiding symptom. Hand sign here. The hand sign directs the cross reference to related symptom, disease and conditions. And T represent karta hai toxicological extract ko. Question number 11. Given below are two statements. Statement 1. The foundation of Bonning-Hassan's therapeutic pocketbook is doctrine of concomitance. It is that which gives the book its peculiar value. Statement 2. A separate section for concomitance is given in all chapters of therapeutic pocketbook. The option is. And the answer is statement 1 is true but statement 2 is false. So most of the assessment reason aata hai uska option अधिकतर बार यही रहता है. ए बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स. बी बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू. सी बोथ स्टेटमेंट 1 एंड इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू. स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स. एंड आंसर स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स. सो कॉन्कॉमिटेंस ये
डिटेल्स में दिया हुआ है, दो प्राइम इंपॉर्टेंस इज गिवन टू कॉन्कॉमिटेंट्स इन दिस मेथड, अ चैप्टर ऑन कॉन्कॉमिटेंट्स इज नॉट गिवन सेपरेटली। ये ड्रॉबैक है BTPB का, कॉन्कॉमिटेंट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है बट उसका एक सेपरेट चैप्टर नहीं है। दो नॉट ऑल बट सम चैप्टर्स कंटेन डिटेल्स ऑफ कॉन्कॉमिटेंट्स सेपरेटली गिवन बिलो द एंड ऑफ चैप्टर। तो कुछ कुछ सेक्शंस में चैप्टर के एंड में कॉन्कॉमिटेंट्स दिया हुआ है बट सारे चैप्टर्स में नहीं है। दिस हैज़ गिवन द बिगिनिंग ऑफ एन एरा ऑफ रिकॉग्नाइजिंग द कॉन्कॉमिटेंट्स इन वर्क ऑफ रिपर्टरी एंड इन प्रैक्टिस। तो कॉन्कॉमिटेंट्स दिया है, सारे चैप्टर्स में नहीं है, कुछ सिलेक्टेड में है, चैप्टर के एंड में है बट इसका कोई एक सेपरेट चैप्टर नहीं है। सो अ सेपरेट सेक्शन फॉर कॉन्कॉमिटेंट्स इज गिवन इन ऑल चैप्टर्स ऑफ थेरेप्यूटिक पॉकेट बुक। ये स्टेटमेंट गलत है, ये सारे चैप्टर्स में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, द रूब्रिक फॉर प्रेस बायोपिया इज अवेलेबल इन द रिपर्टरी एंड चैप्टर्स इज एज ए केंट विजन, बी केंट आई एन विजन, सी थेरेप्यूटिक पॉकेट बुक विजन, डी BBCR हेड, ई BBCR आई। एंड द आंसर इज ई वनली। थ्री ऑप्शंस हैं एंड जो आंसर है वो डी होगा, इवनली, यानी कि सिर्फ BBCR आई में ये रूब्रिक है, ये स्टेटमेंट सही है, बाकी किसी में प्रेस बायोपिया नहीं है, ना केंट में है ना BTPB में है, BBCR में है वो भी आई में है ना कि हेड में। तो आई में प्रेस बायोपिया ये BBCR का रेफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 13, मैथ्स लिस्ट वन बुक विद द लिस्ट टू ऑथर। तो लिस्ट वन में बुक है एंड लिस्ट टू में ऑथर है। लिस्ट वन ए केंट्स फाइनल जनरल रिपर्टरी, बी सिंथेटिक रिपर्टरी, सी सिंथेसिस रिपर्टरी, डी केंट्स रिपर्टोरियम जनरल। एंड ऑथर है जॉर्ज कुंजली, बाथल एंड क्लंकर, फ्रेडरिक स्क्वायर, पियर स्मिथ एंड दीवान हरिश्चंद। दिस आर द ऑप्शन एंड द करेक्ट पेयर इज केंट फाइनल जनरल रिपर्टरी, पियर स्मिथ एंड दीवान हरिश्चंद, सिंथेटिक रिपर्टरी बाथल एंड क्लंकर, सिंथेसिस रिपर्टरी फ्रेडरिक स्क्वायर, केंट रिपर्टोरियम जनरल जॉर्ज कुंजली। सो डॉक्टर पियर स्मिथ एंड डॉक्टर दीवान हरिश्चंद फाइनल जनरल रिपर्टरी ऑफ केंट के राइटर थे। 1973 में बाथल एंड विल क्लंकर सिंथेटिक रिपर्टरी, 1990 में कुंजली जोस्ट केंट्स रिपर्टोरियम जनरल, 1993 में फ्रेडरिक स्क्वायर सिंथेसिस रिपर्टरी। इसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि जो सिंथेसिस है उसमें एस लेटर है एंड फ्रेडरिक स्क्वायर में एस लेटर है, सो SS सिंथेसिस स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ विल यू अरेंज द रूब्रिक रिप्रेजेंटेशन इन केंट्स रिपर्टरी फॉर अ पर्सन प्रेजेंटिंग विथ लेफ्ट साइडेड साइटिका, ए पेन, बी एक्सट्रीमिटी, सी साइटिका, डी लेफ्ट, ई लोअर लिम्स। यानी जो लेफ्ट साइडेड साइटिका है उसमें चैप्टर में कैसे अरेंज करेंगे रूब्रिक देन सब रूब्रिक। ज्यादा ऑप्शन एंड द करेक्ट सिक्वेंसेस एक्सट्रीमिटीज, पेन, लोअर लिम्ब, साइटिका, लेफ्ट। सो सबसे पहले ऊपर में एक्सट्रीमिटीज है, देन जो चैप्टर एक्सट्रीमिटीज जो रूब्रिक है वो पेन है, देन लोअर लिम्ब, साइटिका, लेफ्ट। सो एक्सट्रीमिटीज, पेन, लोअर लिम्ब, साइटिका, लेफ्ट। क्वेश्चन नंबर 15, एबडक्टेड लाइज विद लिम्स इज मेंशन्ड इन विच चैप्टर ऑफ केंट्स रिपर्टरी, ए एक्सट्रीमिटीज, बी जनरलिटीज, सी माइंड, डी स्लीप। And the answer is extremities. So extremities, rubric hai abductor, lies with limbs. Question number 16, awkwardness is mentioned in which chapter of Kent's repertory? A. Abdomen, B. Extremities, C. Generalities, D. Mind. And the answer is extremities. सो एक्सट्रीमिटीज में ऑकवर्डनेस है किन चैप्टर में, यही अगर BBCR का बात करें तो ऑकवर्डनेस दिया हुआ है माइंड चैप्टर में बट किन्थ में एक्सट्रीमिटीज में है। क्वेश्चन नंबर 17, पेन इन एब्डोमेन
menses appear as if wood is mentioned in which chapter of Kent's repertory? A. Abdomen, B. Genitals, C. Genitalia, D. Mind. And the answer is abdomen. So abdomen, इसे में रूब्रिक है appear pain के लिए appear as if wood. तो abdomen pain appear as if wood. Question number 18. Sucking the thumb is mentioned in which chapter of Bogar Boerninghausen characteristic repertory? Yani BBCR. Option A, mind. Option B, mouth. Option C, sensation and complaints in general. Option D, upper extremities. And the answer is upper extremities. So upper extremities, sucking the thumb. Question number 19. Abortion is mentioned in which chapter of Boerninghausen's therapeutic pocketbook? A. Leucorrhea, B. Menstruation, C. Relationships, D. Sensation. And answer is menstruation. तो menstruation का पहला रूबिक ही है abortion. Question number 20. Match list with list 1 to list 2. List 1, rubrics from Bogar Boerninghausen characteristic and repertory, yani BBCR. And list 2, chapters from Bogar Boerninghausen characteristic repertory, yani ki rubric hai and chapter hai. Rubrics are A. Sinusitis, B. Emotions aggravation, C. Hemophilia, D. Nervous exhaustion. And chapters are mind, nose, aggravations and ameliorations in general, sensation and complaints in general. These are the options. And correct sequence is sinusitis, nose, emotions, aggravation. Chapter hai aggravation and emulation in general, hemophilia, sensation and complaint in general, nervous exhaustion, mind. So nose mein sinuses hai, sinusitis ke liye. Aggravation and emulation in general में emotions aggravation है. Sensation and complaints in general में hemophilia है. Mind में nervous exhaustion. Question number 21. Match list 1 with list 2. इसमें जो लिस्ट वन है उसमें रूब्रिक्स है एंड जो लिस्ट टू है इसमें रिपर्ट्री है. सो लिस्ट वन, एग्रीवेशन फ्रॉम रॉन्ग पोजिशन, पायरोमैनिया, मोलस्कम और एपिलेप्टिका. एंड रिपर्ट्री है केंट्स रिपर्ट्री, बीटीपीबी, बीबीसीआर एंड बोरिक रिपर्ट्री. दीज आर द ऑप्शंस एंड द करेक्ट आंसर इज aggravation from wrong position, ये BTPB में दिया हुआ है. Pyromania, Bogar Boerninghausen's characteristic repertory में, molluscum, boric repertory and aura epileptica, Kent's repertory. So aggravation में, actually इसमें unnatural position लिखा है instead of wrong position, so I don't know the actual difference. So unnatural position है BTPB में. माइंड में पायरोमैनिया है, बीबीसीआर में. फिर मोलस्कम है बोरिक रिपर्ट्री में. एंड ऑरा एपिलेप्टिका स्टमक चैप्टर में केंट में है. ऑरा एपिलेप्टिका फिर एज अ क्रॉस रेफरेंस वो बाद में दिया हुआ है एज एपिलेप्टिक ऑरा. क्वेश्चन नंबर 22. Given below are two statements. One is labeled as assertion A and the other is labeled as reason R. Assertion: all medicines under chapter extremities, heaviness, lower limbs, exertion after in Kent repertory are mentioned in first grade. And reason: rubric pain is not present in the stool chapter of Kent's repertory. The option say. And correct answer is both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. क्योंकि दोनों statement काफी अलग हैं.
बट दोनों स्टेटमेंट सही है। सो एक्सट्रीमिटीज में हेवीनेस, लोअर लिम, एग्जॉशन आफ्टर में कोनियम, गैल्सिनियम, लैकेसिस, सिक्रिक एसिड, रिस्टक्स, ये सारा फर्स्ट ग्रेड मेडिसिन है। तो जो स्टेटमेंट था कि इस रूब्रिक में सारा फर्स्ट ग्रेड मेडिसिन है, ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, इस टूल चैप्टर में पेन रूब्रिक नहीं है, तो ऑर्डरलेस है, उसके बाद डायरेक्ट पेस्टी है, पेन रूब्रिक नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि पेन स्टूल में नहीं बल्कि रेक्टम चैप्टर में दिया हुआ है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है बट दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। नाउ ऑर्गेनेम, क्वेश्चन नंबर 23, लॉस ऑफ एपेटाइट बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ सिम्टम? ए बॉनिंग हसन्स कंप्लीट सिम्टम, बी गार्थ बोरिक डिटर्मिनेटिव सिम्टम, सी हैनिमेंस जनरल सिम्टम, डी केंट्स पार्टिकुलर सिम्टम। एंड द आंसर इज हैनिमेंस जनरल सिम्टम। सो हैनिमन कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल सिम्टम वही केंट कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन सिम्टम है। सो ये सारा जो भी जनरल सिम्टम है उसमें हंगर, एपेटाइट, थर्स्ट, ये सारा जनरल सिम्टम में आता है। फिजिकल जनरल सिम्टम है तो वो जनरल सिम्टम में ही काउंट होगा। क्वेश्चन नंबर 24, बॉनिंग हसन्स कॉन्सेप्ट ऑफ क्विबस ऑक्सिलिस सिग्निफाइज ए कॉज ऑफ डिजीज, बी कॉन्कॉम्पिटेंट सिम्टम्स, सी मॉडुलिटिस, डी सीट ऑफ डिजीज। एंड द आंसर इज कॉन्कॉम्पिटेंट सिम्टम्स। ये 7 पॉइंट है बॉर्निंग हसन का, इसमें क्यूबस ऑक्सिलिस का मतलब होता है एकॉम्पेनिंग सिम्टम, यानी कि कॉन्कॉम्पिटेंस वैसा सिम्टम जो मेन सिम्टम के अलावा आ रहा है। तो 7 पॉइंट है क्विस पर्सनैलिटी द इंडिविजुअलिटी, क्विड डिजीज इट्स नेचर एंड पेक्यूलरिटी, यू बी सीट ऑफ डिजीज, क्यूबस ऑक्सिलिस एकॉम्पेनिंग सिम्टम्स और कॉन्कॉम्पिटेंस, क्योर कॉज ऑफ डिजीज, क्यूमोडो मॉडिफिकेशन एग्रीवेशन एंड एम्यूलेशन, क्वेंडो टाइम। सो कॉजेस ऑफ डिजीज, मॉडलिटी, सीट ऑफ डिजीज, ये तीनों नहीं होगा बल्कि क्यूबस ऑक्सिलिस का मतलब कॉन्कॉम्पिटेंस होगा। 25, अरेंज द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द अपीयरेंस इन एफोइज्म ऑफ सिक्स्थ एडिशन ऑफ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन। ए कॉज ऑकेजनलिस, बी अल्टरनेटिंग एक्शंस ऑफ मेडिसिन, सी होम्योपैथिक लॉ ऑफ नेचर, डी हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर। सो क्रोनोलॉजिकली जो एफोइज्म पहले आ रहा है उसको पहले अरेंज करना है, जो बाद में लिखा हुआ है उसको बाद में अरेंज करना है, ये ऑप्शन है। एंड द आंसर इज डी ए सी बी। सबसे पहले हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर है जो कि एफोइज्म 2 में है, देन कॉज ऑकेजनलिस्ट जो कि एफोइज्म 7 में है, देन होम्योपैथिक लॉ ऑफ नेचर जो कि एफोइज्म 26 में है, एंड एट लास्ट अल्टरनेटिंग एक्शन ऑफ मेडिसिन एफोइज्म 115 में है। तो हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर एफोइज्म 2, कॉज ऑकेजनलिस्ट एफोइज्म 7, होम्योपैथिक लॉ ऑफ क्योर एफोइज्म 26, अल्टरनेटिंग एक्शन एफोइज्म 115। क्वेश्चन नंबर 26, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड द अदर इज लेबल्ड एज असर्शन आर। असर्शन, अ स्लाइट अल्टरेशन इन डाइट एंड रेजिमेन इज सफिशियंट टू डिस्पेल एन इंडिस्पोजिशन, एंड द रीजन इज इंडिस्पोजिशन इज नॉट अ फुल्ली डेवलप्ड डिजीज। ये ऑप्शन है एंड द आंसर इज बोथ ए एंड आर, यानी असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Indisposition, a slight alteration in the diet and regimen is usually sufficient to remove indisposition. ये statement सही है and should not regard this as a fully developed disease. ये statement भी सही है और इसका correct explanation है। Question number 27, given below are two statements. Statement 1, Hahnemann recommended homeopathic medicine to be dissolved in water and given in proper small dose in 6th edition of Organon. And statement 2, homeopathic medicine administered in water is far more powerful than dry globules. So these are the options.
एंड द आंसर इज बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर करेक्ट. सो एफर्जन 246 में लिखा है, सिक्स एडिशन में, डिजॉल्व इन वाटर एंड गिवन इन प्रॉपर स्मॉल डोज दैट एक्सपीरियंस हैज taught us the most suitable in definite interval for the quickest accomplishment of the cure. तो वाटर में मेडिसिन को डिजॉल्व करने के लिए बोला गया है फॉर प्रॉपर स्मॉल डोज, और वो ड्राई ग्लोब्यूल से ज़्यादा बेटर है, ये क्विकेस्ट है, तो सबसे फास्ट ये एक्ट करेगा. क्वेश्चन नंबर 28, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज assertion A एंड द अदर इज लेबल्ड एज डिसीजन R. Assertion: Queen's 11th observation demands change of medicine. Reason: all symptoms are observed to reappear in Queen's 11th observation. These are the options. And the answer is A is false, but R is true. And the Queen's 11th observation demands change of medicine. Ye statement galat hai. And all symptoms are observed to appear in Queen's 11th observation. Ye statement sahi hai. तो ऑब्जर्वेशन 11th, व्हेन ऑल सिम्टम्स आर ऑब्जर्व टू रीअपीयर, ये स्टेटमेंट है. एंड द मेडिसिन मस्ट बी लेट अलोन, मेडिसिन कोई दूसरा मेडिसिन नहीं देना है, मेडिसिन चेंज नहीं करना है, रिपीट नहीं करना है, उसको वैसे ही छोड़ देना है. सो किंग 11th ऑब्जर्वेशन डिमांड्स चेंज ऑफ रेमेडी, ये स्टेटमेंट गलत है. बट 11th में ओल्ड सिम्टम्स अपीयर होता है, ये स्टेटमेंट सही है. क्वेश्चन नंबर 29, Doctrine of vital force was introduced in which edition of Organon of Medicine? A. 5th, B. 2nd, C. 6th, D. 3rd. And the answer is 5th. So 5th edition, जो कि 1833 में आया था, the doctrine of vital force. ये doctrine 5th edition में add हुआ था. And same चीज vital force को 6th edition में vital principle कहा जाता है. तो जब 5th edition में बात करें तो वो vital force है. एंड जब सिक्स एडिशन में रहेगा तो वाटर प्रिंसिपल है. सो सिक्स एडिशन जो कि 1921 में आया था, ये पोस्टमस एडिशन है आफ्टर डेथ ऑफ हैनेमन. कॉन्सेप्ट ऑफ डायनेमिक इन्फ्लुएंस, डायनेमिस, कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर प्रिंसिपल, तो फिफ्थ में वाटर फोर्स एंड सिक्स में वाटर प्रिंसिपल. क्वेश्चन नंबर 30, फिश ब्राइन ऑर्डर ऑफ डिस्चार्जेस विथ पेन्स वर्स ड्यूरिंग कोल्ड डैम्प वेदर एंड बेटर बाय लाइंग ऑन एब्डोमेन एंड हार्ट प्रेशर. Suggest which miasm? A. Pseudosora, B. Sora, C. Psychosis, D. Syphilis. And the answer is Psychosis. So Psychosis में greenish और yellow, greenish color and fish brine order of all discharges. ये बहुत ही peculiar इसका symptom है. Aggravation, cold, damp place and lying on abdomen. तो ये सारा symptom Psychosis का है. So the answer is Psychosis. Question number 31. The peculiarity of homeopathic medicine of primary stage of miasm is that they require A. Immediate palliation, B. Large doses of their specific remedies, C. Nosodotherapy, D. Surgical intervention. And the answer is large doses of their specific remedies. Aphorism 282, 6th edition. थ्री ग्रेट म्याजम, यानी जो तीन म्याजम है, सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस, जब वो अपने एक्चुअल फॉर्म में रहता है, प्राइमरी स्टेज में रहता है, देन लार्ज डोजेज ऑफ मेडिसिन देना होता है. सो लार्ज डोजेज ऑफ दे स्पेसिफिक रेमेडीज वो देता है. क्वेश्चन नंबर 32, अ पेशेंट डेवलप्स न्यू एंड ट्रबलसम सिम्टम्स नॉट अपर्टेनिंग टू द डिजीज टू बी क्योर्ड. After administration of homeopathic medicine, this suggests that the medicine was A. Idiosyncratic reaction, B. Totopathic effect, C. Well-selected homeopathic remedy, D. Wrong selection. And the answer is wrong selection. So, ये observation 10 में है, 10th observation, new symptoms appearing after the remedy. तो medicine देने के बाद अगर कोई नया symptom आ रहा है, तो कंक्लूजन यही है कि जो मेडिसिन है वो रॉन्ग है, वो रॉन्ग सिलेक्शन है मेडिसिन का. क्वेश्चन नंबर 33, मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू. लिस्ट वन में फिजिशियन का नाम है
एंड लिस्ट टू में जो इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो, लिस्ट वन मोपर्टियस, बी एल्बर्ट वॉन हॉलो, सी हिपोक्रेट्स, लिस्ट टू ह्यूमन ड्रग प्रूविंग सिमिलियस सिमिलिबस क्रिएटर लॉ ऑफ डिस्ट्रैक्शन. दीज आर द ऑप्शन. एंड करेक्ट मैच है मोपर्टियस, लॉ ऑफ डिस्ट्रैक्शन, एल्बर्ट वॉन हॉलो, ह्यूमन ड्रग प्रूविंग, हिपोक्रेट्स, सिमिलियस सिमिलिबस क्रिएटर. The law of least action. This law is formulated by Maupertuis, the French mathematician. The quantity of action necessary to affect any change in nature is the least possible. The decisive amount is always a minimum at infinitesimal. So, वो law of least action था. Again, Albert von Haller जो कि ये सोचे थे drug proving का, although जो human drug proving था वो पहली बार Hahnemann किए थे, बट ये कॉन्सेप्ट उनके भी माइंड में था. ही सजेस्टेड टेस्टिंग मेडिसिन फॉर देयर प्योर एंड पेक्यूलर इफेक्ट इन डिरेंजिंग द हेल्थ ऑफ मैन इन ऑर्डर टू लर्न व्हाट मॉर्बिड स्टेट इच मेडिसिन इज कैपेबल ऑफ क्योरिंग, यानी ड्रग प्रूविंग. इसके बारे में सोचे थे अल्बर्ट वॉन हॉलर, बट एक्चुअल में ये प्रैक्टिसाइज किए थे हैनेमन. हिपोक्रेट्स, फादर ऑफ मेडिसिन, द लॉ ऑफ सिमिलियस सिमिलिबस क्योरेंटर, ये हिपोक्रेट्स का दिया हुआ था. तो ये कॉन्सेप्ट पहले से था, बट हैनेमन इसको पहली बार अप्लाई किए थे किसी भी डिजीज को ट्रीट करने के लिए. क्वेश्चन नंबर 34, द फंडामेंटल लॉ फॉर पैलिएशन इन होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ऑफ इनक्यूरेबल स्टेट्स इज ए एक्विलिया इक्विलिबस क्योरेंटर, बी कॉन्ट्रारिया कॉन्ट्रारिस क्योरेंटर, सी लॉ ऑफ सिमिलर, डी वैक्सीनेशन. तो एक्विलिया इक्विलिबस क्योरेंटर यानी आइसोपैथी, कॉन्ट्रारिया कॉन्ट्रारियस क्योरेंटर यानी एंटीपैथी, सी लॉ ऑफ सिमिलर एंड डी वैक्सीनेशन. एंड द करेक्ट आंसर इज लॉ ऑफ सिमिलर. कंडीशंस व्हेन पैलिएशन इज जस्टिफाइबल, द पैलिएशन बाय होम्योपैथिक मेडिसिन ऑफ इनक्यूरेबल केसेस, द बेसिस ऑफ क्योर इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ सिमिलर. तो जो लॉ ऑफ सिमिलर है उसको थ्रू पैलिएशन किया जा सकता है. क्वेश्चन नंबर 35, Which of the following statements are true regarding materia patens? A. It means material cause of disease. B. It was a materia medica developed by Hahnemann. C. Homeopathic treatment is based on the concept of materia patens. These are the options. And correct answer is A only. Any it means material cause of disease. Materia pecens. The word materia pecens is a Latin derivation which means obnoxious matter, injurious or harmful material, morbific matter or offending substance. This signifies the materialistic conception of allopaths about the causation of disease. So it means material cause of disease. Ye statement sahi hai. It was a materia medica developed by Hahnemann. Ye statement galat hai. Hahnemann ke through jo materia medica develop kiya gaya tha uska naam tha materia medica pura. And homeopathic treatment is based on the concept of materia patens. ये statement भी गलत है, क्योंकि ये homeopathic concept नहीं बल्कि allopathic concept है material cause का. Question number 36. Fainting from the smell of roses is an example of A. Animal magnetism, B. Idiosyncrasy, C. Surrogate, D. Syllogism. And the answer is idiosyncrasy. So, idiosyncrasy के एग्जाम्पल में है, सम फ्यू persons आर apt टू फेंट फ्रॉम द स्मेल ऑफ roses. तो कुछ लोग जो रोज के स्मेल से फेंट कर जाते हैं, तो वो idiosyncrasy का एग्जाम्पल है. क्वेश्चन नंबर 37, एक्यूट टॉपिकल affections शुड फर्स्ट बी ट्रीटेड विद ए एंटीसिफिलिटिक मेडिसिन, बी जनरल क्लास ऑफ प्रूव्ड मेडिसिन, सी सल्फर, डी सर्जरी. एंड द आंसर इज जनरल क्लास ऑफ प्रूव्ड मेडिसिन. सो एफोजम 194 में है, फॉर एक्यूट टॉपिकल अफेक्शन जनरल स्टोर ऑफ प्रूव्ड मेडिसिन दिया जाता है. एक्यूट टॉपिकल अफेक्शन लाइक इन्फ्लेमेशन ऑफ इंडिविजुअल पार्ट्स, इरासिपेलस, तो कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम होगा उसके लिए जो जनरल प्रूव्ड मेडिसिन है वो देते हैं. क्वेश्चन नंबर 38, अकॉर्डिंग टू स्टुअर्ट क्लोज सेकेंड बेस्ट रेमेडी इज A.
एंटीपैथिक मेडिसिन, बी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन, सी सैक्रम लैक्टिस ऑफिसिनलिस, डी विटामिन सप्लीमेंट। एंड द आंसर इज सैक्रम लैक्टिस ऑफिसिनलिस। सो सेकंड बेस्ट रेमेडी, ये केंट रिपर्ट्री केंट फिलोसफी का रेफरेंस है, स्टूअर्ट क्लोज का। तो स्टूअर्ट क्लोज का रेफरेंस है, ये सेकंड बेस्ट रेमेडी जो है वो सैक्रम लैक्टिस ऑफिसिनलिस है। स्टूअर्ट क्लोज का फिलोसफी यानी जीनियस ऑफ होम्योपैथी। नाउ मटेरिया मेडिका, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सिम्टम्स ऑफ टेंटुला हिस्पैनिका एक्सेप्ट एंड ऑप्शंस आर कंप्लेंट्स आर वर्स बाय रबिंग अफेक्टेड पार्ट्स, बी एक्सट्रीम रेस्टलेसनेस मस्ट कीप इन कॉन्स्टेंट मोशन, सी सेंसिटिवनेस टू म्यूजिक, डी वॉकिंग एग्रीवेट्स ऑल कंप्लेंट्स। एंड द आंसर इज कंप्लेंट्स आर वर्स बाय रबिंग अफेक्टेड पार्ट्स। ये स्टेटमेंट गलत है, बाकी सारा स्टेटमेंट सही है। सो ये स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि इसमें एग्रवेशन नहीं होता है बल्कि इससे एमोलेशन होता है, वो बेटर होता है। सो बेटर रबिंग अफेक्टेड पार्ट्स ये होगा, कंप्लेंट्स आर वर्स बाय रबिंग अफेक्टेड पार्ट्स, ये स्टेटमेंट गलत है बल्कि वो बेटर होता है। टेंटुला हिस्पैनिका एक्सट्रीम रेस्टलेसनेस मस्ट कीप इन कॉन्स्टेंट मोशन इवन दो वॉकिंग अग्रवेट्स, ये स्टेटमेंट सही है। एक्सट्रीम रेस्टलेसनेस मस्ट कीप इन कॉन्स्टेंट मोशन इवन दो वॉकिंग एग्रीवेट्स, इसके लिए लाइन है वॉकिंग एग्रीवेट्स ऑल कंप्लेंट, ये स्टेटमेंट भी सही है। एंड सेंसिटिव टू म्यूजिक, सो सेंसिटिवनेस टू म्यूजिक, ये स्टेटमेंट भी सही है। क्वेश्चन नंबर 40, ऑब्स्टेट कॉन्स्टिपेशन फॉर इयर्स, रेक्टम सीम टाइड अप विद स्ट्रिक्चर्स, व्हेन एनेमा वाज यूज्ड द एग्नी ऑफ पैसेज वाज लाइक लेबर, इज अ सिम्टम ऑफ ए एल्यूमिना, बी ओपियम, सी प्लम्बरमेट, डी सिफ्लैनम। एंड द आंसर इज सिफ्लैनम। सो ये सिफ्लैनम का लाइन है एलन के नोट्स का। जीआईटी में ऑब्स्टेंट कॉन्स्टिपेशन फॉर इयर्स, रेक्टम सीम्स टाइड अप विद स्ट्रिक्चर्स, व्हेन एनिमा वाज यूज्ड द एगोनी ऑफ पैसेज वाज लाइक लेबर। क्वेश्चन नंबर 41, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, लिस्ट 1 में सिम्टम है एंड लिस्ट 2 में मेडिसिन है। List 1 symptoms, headache better by conversation, headache better by drinking green tea, headache better by sleep and headache better by while eating. Medicine hai natremium, lithium carb, dulcamara, carbolic acid. These are the options. And the answer is headache better by conversation, dulcamara hai, headache better by drinking green tea, carbolic acid, headache better by sleep, natremium, and headache better by while eating lithium carb. Dulcamara, headache relieved by conversation. तो बात करने से headache अगर relieve होता है तो वो Dulcamara है। Carbolic acid, headache better by green tea. Carbolic acid में ऐसे भी green जो है वो बहुत prominent term है, green discharge हो, बहुत सारे symptom है उसमें green word रहता है, तो ग्रीन टी से इसमें हेडेक जो है उसमें एमुलेशन भी होता है। नैट्रोम्यूल, हेडेक रिलीव बाय स्लीप, तो नैट्रोम्यूल में स्लीप से एमुलेशन होगा। लिथियम कार्ब, हेडेक सीजेस वाइल ईटिंग, यानी ईटिंग से हेडेक में स्टॉप हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, एजमा इन द एज्ड विथ ब्लू स्किन इज अ सिम्टम ऑफ ए कार्बो वेजिटेबलिस, बी क्यूप्रो मेटेलिकम, सी ड्रोसेरा, डी सेनेगा। एंड द आंसर इज कार्बो वेजिटेबलिस। सो कार्बो वेजिटेबलिस का लाइन है, ये बोरिक का लाइन है, एजमा इन एज्ड विथ ब्लू स्किन। क्वेश्चन नंबर 43, अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम फिंजी कंप्लेन ऑफ पेन एज इफ स्प्लिंटर्स इन थ्रोट एकॉम्पनीड विथ नेजल डिस्चार्ज, smelling like old cheese, he has feeling as if wind were blowing on some part, the indicated remedy is A hypersulfur, B merksol, C nux vomica, D sanicula. And the answer is hypersulfur. So hypersulfur, feeling as if wind were blowing on some part, smell like old cheese,
सेंसेशन एज इफ अ स्प्रिंटर इन थ्रोट क्विंसी, ये सारा सिम्टम्स जो है वो हीपोसल्फर का। सो द आंसर इज हीपोसल्फर। क्वेश्चन नंबर 44, ऑलवेज फील्स बेटर वाइल वॉकिंग स्लोली अबाउट ऑल्दो वीकनेस ऑब्लाइजेस द पेशेंट टू लाई डाउन, इज अ सिम्टम ऑफ ए फेरमिट, बी कैलियायोड, सी टल्स्टीला, डी दस्तक्स। एंड द आंसर इज फेरमिट। सो फेरमेटालिकम ऑलवेज फील्स बेटर बाई वॉकिंग स्लोली अबाउट ऑल्दो वीकनेस ऑब्लाइजेस द पेशेंट टू लाई डाउन। तो स्लोली मूव करने से बेटर फील होता है, बट पेशेंट को वीकनेस इतना होता है कि बाद में वो लेट जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, लिस्ट वन लिस्ट टू, ये कॉम्प्लीमेंट्री का है, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप। लिस्ट वन आयोडम सल्फ्यूरिक एसिड कैल्केरिया फॉस एस्थुजा, लिस्ट टू कैल्केरिया का लाइकोपोडियम पल्स्टिला रूटा। दीज आर द ऑप्शन एंड द आंसर इज आयोडम लाइकोपोडियम सल्फ्यूरिक एसिड पल्स्टिला कैल्केरिया फॉस रूटा एथ्रुजा कैल्केरिया का, ये कॉम्प्लीमेंट्री का लिस्ट है। सो आयोडम कॉम्प्लीमेंट्री टू लाइकोपोडियम, सल्फ्यूरिक एसिडम कॉम्प्लीमेंट्री टू पल्स्टिला, कैल्केरिया फॉस कॉम्प्लीमेंट्री टू रूटा, एथुजा सैनिपियम कॉम्प्लीमेंट्री टू कैल्केरिया। क्वेश्चन नंबर 46, मैच कॉमन नेम्स ऑफ लिस्ट वन विथ रेमेडीज इन लिस्ट टू। लिस्ट वन डेजी, वर्जिन्स बोर, स्पर्ज ऑलिव, हेमलॉक स्प्रूस। एंड लिस्ट टू मेडिसिन का नाम एबिस कैनेडेंसिस, मेजेरियम, क्लिमेटिस इरेक्टा, बेलिस पेरेनिस। दीज आर द ऑप्शंस एंड द आंसर इज डेजी, बेलिस पेरेनिस, वर्जिन्स बोर, क्लिमेटिस इरेक्टा, स्पर्ज ऑलिव, मेजेरियम, हेमलॉक स्प्रूस, एबिस कैनेडेंसिस। सो ये सारा बोरिक का रेफरेंस है, बेलिस पेरेनिस का डिजी होता है, क्लिमेटिस इरेक्टा का कॉमन नेम वर्जिन्स बोर है, मेजेरियम का स्पर्ज ऑलिव एंड एबिस कैनेडेंसिस का हेमलॉक स्प्रूस। क्वेश्चन नंबर 47, A 15-year-old girl has a spasmodic paroxysmal cough since 2 to 3 weeks. The cough is aggravated in morning when she gets expectoration. It is also aggravated by reading aloud and when in company of others. The indicated remedy is A. Ambragrysia, B. Ignatia, C. Pulsetilla, D. Stricta pulmonaria. And answer is Ambragrysia. Cough in a spasmodic paroxysm, worse reading aloud, morning with expectoration, aggravation में है, the presence of many people. तो ये सारा symptom जो है वो ambragrysia का है, so answer ambragrysia होगा। Question number 48, in the intermittent fever of syncona, the characteristic symptoms are A. Paroxysm anticipates 2 to 3 hours each attack, B. Thirst before chill, little and often, C. intense thirst during heat, D. profuse sweat on least exertion. These are the options and the answer is A, B, D. ये तीनों statement सही है। Paroxysm anticipates 2 to 3 hours each attack, thirst before chill, little and often, profuse sweat on least exertion. ये तीनों statement जो है वो सही है। So intermittent fever, paroxysm anticipates from 2 to 3 hours each attack, sweat profusely all over on being covered or during sleep. Intermittent paroxysm anticipates return every week. तो ये दो तरह का लाइन लिखा हुआ है, तो जो जस्टिफाइड रहे। Thirst before chill and little and often, ये स्टेटमेंट भी सही है। Freeze perspiration caused by even little exertion, ये स्टेटमेंट भी सही है। But intense thirst during heat, ये स्टेटमेंट गलत है। Question number 49. According to Dr. J.T. Kent's lecture on homeopathic materia medica, which remedy has anxiety and impulse to do violence when keeping still or doing rest? A. Hipposulfur, B. Iodum, C. Mugsol,
डी नक्स वोमिका. एंड द आंसर इज आयोडम. तो ये किंड का मटेरिया मिलता है इम्पल्स टू डू वायलेंस. ये स्टेटमेंट आयोडम का है. क्वेश्चन नंबर 50. गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स. वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड द अदर इज लेबल्ड एज असर्शन आर. द असर्शन है जिंकम मेटालिकम मस्ट नॉट बी यूज्ड बिफोर और आफ्टर नक्स वोमिका. एंड रीजन है जिंकम मेटालिकम एंड नक्स वोमिका हैव एन इनिमिकल रिलेशनशिप. ये ऑप्शन है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ये होना चाहिए बट आंसर में दिया हुआ है जो कि पब्लिश होता है AIP गेट के थ्रू. उसमें जो आंसर है वो है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. बट ऐसा नहीं है, दोनों स्टेटमेंट सही है और वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. सो जिंकम में लाइन लिखा हुआ है नक्स वोमिका बट नॉट फॉलोड के लिए है बट नॉट बाई नक्स वोमिका विच डिसएग्रीज. इनिमिकल में भी नक्स वोमिका लिखा हुआ है शुड नॉट बी यूज बिफोर और आफ्टर. तो जिंकम नक्स वोमिका का इनिमिकल है. सेम तरह का लाइन नक्स में भी लिखा हुआ है इनिमिकल टू जिंकम मस्ट नॉट बी यूज बिफोर और आफ्टर. तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों हिस्से का सही एक्सप्लेनेशन है. बट जो ऑप्शन है रेफरेंस में वो थोड़ा डिफरेंट है. क्वेश्चन नंबर 51. विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नक्स मोस्काटा. ए रूमेटिक अफेक्शन ऑफ राइट शोल्डर एमरेशन बाई कोल्ड वेट वेदर वनिशिंग ऑफ थाउट्स वाइल रीडिंग टॉकिंग और राइटिंग ग्रेट ड्राइनेस ऑफ माउथ नो थर्स्ट ग्रेट सॉरनेस ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑन विच वन लाइज चेंजेबल ह्यूमर वन मोमेंट लाफिंग द नेक्स्ट क्राइम. ये ऑप्शन है एंड जो करेक्ट जो फर्स्ट ऑप्शन है उसके अलावा बाकी सारा सही है. वनिशिंग ऑफ थाउट्स वाइल रीडिंग टॉकिंग और राइटिंग ग्रेट ड्राइनेस ऑफ माउथ नो थर्स्ट ग्रेट सॉरनेस ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑन विच वन लाइज चेंजेबल ह्यूमर वन मोमेंट लाफिंग द नेक्स्ट क्राइम. ये सारा स्टेटमेंट सही है. सो नक्स मोस्काटा वनिशिंग ऑफ थाउट्स वाइल रीडिंग टॉकिंग और राइटिंग चेंजेबल ह्यूमर वन मोमेंट लाफिंग द नेक्स्ट क्राइम. ये दोनों स्टेटमेंट सही है. फिर ग्रेट सॉरनेस ऑल द पार्ट्स अपॉन विच वन लाइज ये भी सही है. एग्रीवेशन इन कोल्ड वेट वेदर है रूमेटिक अफेक्शन में. जबकि स्टेटमेंट था रूमेटिक अफेक्शन ऑफ राइट शोल्डर एमुलेशन बाई कोल्ड वेट वेदर. तो यहाँ पे जो है वो एग्रीवेशन होता है ना कि एमुलेशन होता है और लेफ्ट शोल्डर के लिए है ऑफ लेफ्ट शोल्डर. माउथ ग्रेट ड्राइनेस विदाउट रियल थर्स्ट ये स्टेटमेंट भी सही है. नक्स मोस्काटा में माउथ का ड्राइनेस बहुत इम्पोर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर 52. अ पेशेंट हु इज इजिली ऑफेंडेड कैन नॉट बी अ कॉन्ट्राडिक्शन एंड हैज अ फीलिंग दैट टाइम पासिस टू क्विकली रिक्वायर्स ए एंटीमोनियम प्रूडम बी कॉपुलस इंडिकस सी कॉफिया क्रूडा डी नक्स मोस्काटा. एंड द आंसर इज कॉपुलस इंडिकस. कॉकुलस इंडिकस टाइम पासिस टू क्विकली ये लाइन भी कॉकुलस का है. एंड कैन नॉट बी अ कॉन्ट्राडिक्शन इजली ऑफेंडेड एवरी ट्रिफल्स मेक हिम एंग्री स्पीक्स हैस्टली ये लाइन भी कॉकुलस इंडिकस का है. सो द आंसर इज कॉकुलस इंडिकस. क्वेश्चन नंबर 53. द रेमेडी नीडेड बाई अ पेशेंट विथ मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज हैविंग कंप्लेंट्स फ्रॉम ग्रीफ हु फील्स शी हैज नेग्लेक्टेड हर ड्यूटी who likes to be alone and refuses food because it tastes too salty is A. Ecterismosa B. Odomate C. Cyclamen D. Ignatia. And the correct answer is Cyclamen. So Cyclamen ka line hai elements from suppressed grief from duty not done or bad act committed desire for solitude mouth mein all food has a salty taste GIT सिम्टम में फूड देन बिकम्स रिपग्नेंट एंड फीमेल कंप्लेंट में डिरेंज्ड मेंसेस. ये सारा जो लाइन्स हैं वो साइक्लामेन का है. सो द आंसर इज साइक्लामेन. क्वेश्चन नंबर 54. अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बोरिक
Which remedy has as its greatest indication in heart diseases failure of compensation, especially when auricular fibrillation has set in? A. Cactus, B. Digitalis, C. Kalmia, D. Naza. And the correct answer is Digitalis. So Digitalis mein boric ka line hai. Its greatest indication is in failure of compensation and especially when auricular fibrillation has set in. So yehi sare questions hai. The fences jiska photo video dala gaya hai, Mandal and Mandal for pharmacy, SK Tiwari, Kent Repertory, BBCR, BTPB for repertory, Organ of Medicine, Aridazan, Organ of Medicine, A.K. Das, Part 1, 2, 3, Genius of Homeopathy, Stuart Close, Lectures on Homeopathic Materia Medica, J.T. Kent, Ellen's Keynote, Boric Materia Medica. Thank you for your time.